भाई अभी अपन जा रहे हैं, बैठे हैं, मतलब अभी हम फॉक्सवैगन टी रॉक में, इसकी ट्रैक करनी है वर्टिस 1.5 मैनुअल के साथ। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में, जय श्री राम सारे भाइयों को, और देखते हैं क्या रहता है। भाई मेरे को तो लग रहा है कि वर्टिस मैनुअल ही जीतेगी, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सारी 1.5 को अक्कर वक्कर दे दिया और कुछ कुछ में जीत भी जा रही है, तो ये भी उसी को जीतना चाहिए। भाई थोड़ा ज़्यादा नाराज़ हो गया टी रॉक से, कह रहा मैं सीधा स्टेज 2 जाऊँगा, फिर तुम सबको बताऊंगा। तो शायद ये गाड़ी अब तुम्हें स्टेज 2 में मिलेगी सीधा सीधा देखने को, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं सीधा वहाँ पे पहुँच कर कैसे रहता है खींचने में। एस पे ही रख रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि डी में करके कोई फायदा नहीं, बहुत पावरफुल है। ओए हॉर्न पे करना है, कैसे करना है? 1-2-3 करना है। बहुत स्लो शिफ्ट कर रही है यार ये तो, लेकिन ये आ रही है भाई। जीत रही है भाई, इसमें तो वर्टेस ही जीत रही है। मैनुअल से करते हैं इसको। मैनुअल में आ रहे हो? एसी ऑफ ट्रैक्शन, हाँ ठीक है। इतना गंदा लैग क्यों ले रही है यार, खुद ही 3 पे आगे देख बिना शिफ्ट करे, छोड़ दे। यार पता नहीं टी रॉक के साथ ऐसा क्यों है, या ये सिर्फ हमारी टी रॉक के साथ है। इफ़ यू ऑन अ टी रॉक तो लेट अस नो, बिकॉज ये गाड़ी हमारे साथ क्या करती है, गियर शिफ्ट बहुत स्लो करती है, बहुत ज़्यादा स्लो, एक टॉप कन्वर्टर की तरह स्लो करती है, जिसकी वजह से हमेशा पीछे रह जाती है। तो भाई ने डिसाइड कर लिया है कि ही विल गो डायरेक्टली इधर स्टेज 1 ECU एंड स्टेज 2 TCU, या फिर स्टेज 2 ECU एंड स्टेज 2 TCU। तो कह रहा भाई एक ही बार में फोड़ूंगा मैं फिर। तो अभी का कंक्लूजन तो यही रहा भाई कि टी रॉक ने हार फिर से सहनी है वर्टिस के साथ। अब देखते हैं भाई क्या रहता है आगे स्टेज 1 होने के बाद। टिल देन सी यू टाटा, बाय बाय, इट्स योर होस्ट ड्रैक्स्टर साइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट अनदर व्लॉग। ओके दैट्स ऑल, सी यू द मैनुअल्स।